नई उमंगों के साथ और नए जोश के साथ आज यूथ फेस्टिवल का दूसरा दिन है जो आरएपीजी कॉलेज में मनाया जा रहा है। और आज दूसरे दिन के जो चीफ गेस्ट रहे वो थे पानीपत के डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र सिंह जी आईएएस। तो हम उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका अनुभव और वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस यूथ फेस्टिवल से। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसीपी नेटवर्क में। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कितना ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, हमारी ज़िंदगी की ओवरऑल पर्सनालिटी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोई अकेडमिक्स अकेली इम्पोर्टेंट नहीं है। अकेडमिक्स के साथ साथ हमारे जीवन के विस्तार के लिए यूथ अफेयर्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, खेल कूद और सभी चीज़ों का साथ साथ होना ज़रूरी है। ओनली अकेडमिक्स से जो किताबी कीड़ा बनने से कोई ओवरऑल अच्छी डेवलपमेंट न तो किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की होती है, न ही समाज की होती है। तो समाज की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ में अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह एक स्टूडेंट की लाइफ में भी ज़रूरी होता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अनुशासन तो किसी प्रशासक या स्टूडेंट नहीं, किसी भी समाज, किसी भी देश की को प्रोग्रेस करने के लिए अनुशासन तो बहुत ज़रूरी है। जिस देश में, जिस समाज में अनुशासन नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप इस पूरे संसार का कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, जिस भी देश ने आगे प्रोग्रेस की है, काफ़ी स्पीड से प्रोग्रेस की है, अनुशासन जिसमें है और उसी ने वही आगे बढ़ पाया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पानीपत, उन्होंने भी यही बात कही कि युवाओं के जीवन में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है और उसी तरह ये कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसी के साथ कैमरा पर्सन अभी के साथ मैं रूपल, एसीपी नेटवर्क पानीपत।